बजट पर जहां विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, वहीं केंद्रीय मंत्री सतीश दुबे ने बजट को लेकर विपक्ष पर पलटवार किया है। बजट पर केंद्रीय मंत्री सतीश दुबे से बात की भारत एक्सप्रेस के संवाददाता कमलेश सिंह ने। विपक्ष लगातार बजट का विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश का ध्यान रखा गया। हमेशा सतीश दुबे जी जो केंद्रीय मंत्री, सर बिहार से बिलोंग करते हैं आप भी, निश्चित रूप से खुश, लेकिन विपक्ष का कहना सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश ही, और कोई राजी नहीं। देखिए, देश के प्रदेश के बंटवारा के बाद, देश के आज़ादी के बाद लगातार कांग्रेस का हुकूमत रहा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बीच में बिहार में लालू राज भी आया, राबड़ी राज भी आया, तो जो काम पहले करना चाहिए नहीं हुआ था। और प्रदेश बंटने के बाद झारखंड में सारी आय की स्रोत वहीं चली गए, तो बिहार में बहुत कुछ बचा नहीं। उसकी आवश्यकता थी, भगवान से जुड़ा हुआ जगह है, अयोध्या से जुड़ा हुआ, राम भगवान राम से जुड़ा हुआ बनारस है, बनारस के बाद आप आ जाइए तो बक्सर है, जहाँ शिक्षा दीक्षा भगवान राम का हुआ है, भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ गया है, राजगीर है। जब पूरे विश्व में एजुकेशन की माहौल उतना नहीं था, उस समय नालंदा में लोग, विश्व के लोग एजुकेशन लेने आते थे। बिहार को इस चीज़ की आवश्यकता थी, उसको आवश्यकता को देखते हुए दिया गया है, कोई भेदभाव नहीं हुआ है, सबको साथ लेके चलने वाली सरकार बजट पेश की है। सर, 1,00,000 करोड़ का आवंटन बिहार के लिए हुआ, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस करी कि झुंझुना है, हम स्पेशल राज्य का दर्जा मांगते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब कांग्रेस की इतनी दिन हुकूमत रही, आरजेडी समर्थन में रहा, तो क्यों नहीं किया? जब उस समय केंद्र रुपया भेजता था तो अलकतरा घोटाला होता था बिहार में, पशुपालन घोटाला होता था। आरजेडी के सुप्रीमो बेल पे हैं अभी। जब रेलवे में मंत्री बनने का मौका मिला तो नौकरी के बदला में जमीन लेना पड़ा, वो लोग जमीन लिए, उसका भी जांच चल रहा है। तो जब मौका मिला तो कुछ किया लोग नहीं। अगर आज हो रहा है तो इन लोगों को तकलीफ हो रही है, क्योंकि उन राजनीति की दुकानें बंद होने वाली है। शरद बारी के साथ कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।